पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जो 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम होंगे वो टर्म वाइज होंगे, टर्म वन और टर्म टू में, लेकिन CBSE ने उसका सिलेबस डिफाइन नहीं किया था। आज CBSE की तरफ से एक नोटिस आया है, उस नोटिस में क्लियरली लिखा है कि हम सिलेबस को डिफाइन करें, और आप उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो cbse.gov.in से। जैसे आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करने के बाद एकेडमिक वेबसाइट पर जाओगे, एकेडमिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज को आप देखोगे तो ऊपर सर्कुलर पब्लिकेशन और थर्ड नंबर पर करिकुलम है, तो करिकुलम पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है करिकुलम 2021-22 है, और इसके नीचे देखो यहाँ पर टर्म वाइज करिकुलम, तो टर्म वाइज क्लिक करिकुलम पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये एक और पेज ओपन होगा जिसमें होगा टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम यानी कि 9th और 10th के लिए, और टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th और 12th के लिए। इसके अलावा यहाँ पर गाइडलाइंस भी दे रखी हैं, गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वर्क फॉर द क्लासेस है, ये टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो आपको अगर जैसे 10th क्लास का सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, तो इसमें दो आपको आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज का होगा, ठीक है, और अदर एकेडमिक इलेक्टिव होंगे। तो जैसे आपको साइंस का करना है तो साइंस में आप टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट में जाओगे, ठीक है, मेन सब्जेक्ट में टर्म वाइज साइंस मिलेगा आपको। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका PDF फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जैसे आपका PDF डाउनलोड हो गया है। अब इसमें अगर हम बात करें 10th क्लास की, तो 10th क्लास में टर्म वन में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, हाँ टर्म वन में दिखा रखा है, टर्म वन में आपका केमिकल सब्सटेंसेस इन नेचर ऑफ नेचर एंड केमिकल यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 आ जाएगा इसमें, ठीक है, केमिस्ट्री का, और वर्ल्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर 6 आ जाएगा, नेचुरल फिनोमेना चैप्टर 10 एंड 11 आ जाएगा फर्स्ट टर्म में। तो ये आपका डाउनलोड कर सकते हो, इसमें PDF फॉर्म में आपकी अवेलेबल होगी, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो।